बचपन से हमें दो बातें बड़े ही ध्यान से समझाई जाती हैं। पहली ये कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सांस लेना ज़रूरी है। दूसरी कि अगर इंसानियत को सही ढंग से चलाना है तो औरतों की इज्जत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुख वाली बात यह है कि पहला हमसे भुलाई नहीं भूलता और दूसरा शायद हम काफ़ी पहले ही भुला चुके हैं। एक औरत जिसको लोग भगवान का रूप मानते हैं उसको घर में अक्सर किचन तक सीमित कर दिया जाता है या फिर शादी करके दूसरे घर भेज दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई नौकरी वगैरह ये तो काफ़ी दूर की बातें हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और अपने हक के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लेते हैं। फिर सामने चाहे बाहर वाले हों या फिर खुद घर वाले, लड़ाई हमेशा आर या पार वाली होती है। एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, जिनको बॉलीवुड में काफ़ी दबाने की कोशिश की जाती है क्योंकि इनका नेपोटिज्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनका सरनेम भी कपूर या फिर खान नहीं है, लेकिन टैलेंट इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी इनके सामने हार मानने को मजबूर हो जाते हैं। इस बार वो एक ऐसी कहानी हमारे सामने लेकर आने वाली हैं जो काफ़ी हद तक उनकी असल ज़िंदगी से मैच करती है, लोगों को सपने देखने की आज़ादी देती है और अपने हक को दुनिया से छीनने के लिए मोटिवेट भी करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ पंगा। फिल्म की कहानी में कबड्डी नाम के स्पोर्ट को फोकस में डाला गया है जिसको अक्सर हम लड़कों के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि फिल्म एक फीमेल कबड्डी प्लेयर के अराउंड लिखी गई है। एक लड़की को कबड्डी के साथ जोड़ना काफ़ी टेढ़ा काम लगता है, तो सोचिए असलियत में इसको सच करना लगभग असंभव होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल वही पुराना, लोग क्या कहेंगे, लड़की को इतनी छूट देना सही है क्या, खुद को अंग्रेज समझते हो क्या, वगैरह वगैरह। फिल्म का मैसेज काफ़ी क्लियर है, सपना देखोगे तो पंगा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन अकेले पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है। मिलकर लड़िए और छोटी सोच वाले लोगों को मिट्टी में मिलाते जाइए। फिल्म का एक्स फैक्टर साबित होने वाली है इसकी लंबी चौड़ी टैलेंट से भरी हुई स्टार कास्ट, जिसमें आपको बधाइयों वाली नीना गुप्ता देखने को मिलेंगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली रिचा चड्ढा भी मिलेंगी, पंजाब के सुपरस्टार जस्सी गिल भी मिलेंगे और लास्ट में बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ट्रेलर की सबसे अच्छी बात है जिस तरीके से कंगना अपने कैरेक्टर को पूरी तरह ओढ़ चुकी हैं, उसके बाद फिल्म में कंगना आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगी। फिल्म में नजर आने वाली हैं जया निगम, जो सपने देखने की हिम्मत रखती हैं और दुनिया वालों को अपनी जिद के सामने झुका सकती हैं। तारीफ करनी होगी फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने पंगा को एक हाई फाई फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर से कहानी को उठाया गया है जिसके साथ हम सब रिलेट कर सकते हैं। वरना बॉलीवुड की फिल्में अक्सर इतनी नकली होती हैं कि उनमें सच की परछाई भी नहीं दिखती है। ट्रेलर से आप समझ सकते हो कि फिल्म में गर्ल पावर वाले झंडे को काफी ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी, जो असलियत में कहीं नीचे दबके रह गया है। बात सुनने में कितनी भी कड़वी क्यों ना लगे, लेकिन हम सब लड़कियों की तरफ छोटी और घटिया सोच का शिकार बन चुके हैं। एक तरफ हम बराबरी की बातें करते हैं और फिल्में आज भी हीरो के नाम पे बनाई जाती हैं, और फीमेल एक्ट्रेस को 3-4 डायलॉग्स और एक आइटम सॉन्ग पकड़ा दिया जाता है। शुक्र है कंगना जैसी एक्ट्रेस इंडस्ट्री में मौजूद है जो अपने दम पर फिल्में चलाने का हौसला रखती हैं। लेकिन पंगा के रास्ते में एक फिल्म है जो काफी बड़ा खतरा साबित हो सकती है, स्ट्रीट डांसर 3D, जो ठीक उसी दिन 24 जनवरी 2020 को रिलीज होने वाली है। एक तरफ गर्ल पावर है तो दूसरी तरफ इंडिया पाकिस्तान और डांस वाला फॉर्मूला है, और साथ में नेपोटिज्म वाले एक्टर्स भी हैं। कौन किस पे भारी पड़ता है देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस बार कंगना के सपनों का साथ दोगे या फिर डांस के नाम पे नकली देशभक्ति की दुकान से टिकट खरीदोगे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।